हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने जा रहे हैं। जो आज हम इसमें सीखेंगे कि हमारे जो रिश्ते होते हैं और उनका संबोधन किस तरह से किया जाता है, मतलब कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रिलेशन एंड देयर एपोस्ट्रोफिक्स। देखिए फ्रेंड, रिलेशंस की बात आ रही है तो अब हमारे इंडियन कल्चर में किस तरह से रिलेशन रहते हैं, एक बार मैं उस पर नज़र आपकी डालना चाहूँगा और उसको आपको रिवाइंड करना चाहूँगा। जनरली फ्रेंड, हमारा जो ज़्यादातर के इंडियन फैमिलीज है या जो इंडियन परिवार है या हमारे घर में जो रहते, वो तकरीबन मिनी मोर ज्वाइंट फैमिली में रहते, सभी एक जगह पे रहते, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो। तो इस वजह से हमारे इंडियन कल्चर में अलग अलग तरह के रिलेशन बन के आए वाले, जैसे माँ पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी आदि, चचेरे काका, चचेरे चाची, बुआ मौसी, इस तरह के हमारे इंडियन कल्चर में, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी से क्यों ना हो फ्रेंड, उसके संगत इस तरह के रिलेशन ऑफ बॉन्डिंग बन के आई हुई। पर जब हम फ्रेंड इंग्लिश यानी कि वेस्टर्न कल्चर या जो यूरोपियन कल्चर में अगर से रिलेशंस को देखते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है फ्रेंड कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंड उनके जो लड़के रहेंगे उससे ही रिलेटेड रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो मॉम डैड रहते हैं, मीन्स जो लड़का लड़की के मॉम डैड रहते हैं उससे रिलेटेड रहता है, मीन्स दादा दादी से, इधर तक ही उनका रिलेशंस रहता है। ज़्यादा वो उनके जैसे कि मामा मामी या चाचा चाची या ताऊ बोलते हैं ना, ताऊ ताऊजी, या फिर उसके अलावा बुआ मौसी, इस तरह के वहाँ पे रेयर रिलेशंस पाए जाते हैं। और आए दिन हम इनके जो पर्यायवाचक शब्द देखते हैं ना, अगर से हमारे दिमाग में चलता है कि भाई मौसी का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा, बुआ का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा, चचेरे चाचा का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा, मौसी के का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बुआ का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा, इस तरह के शब्दों को हम जब सोचते तो हमें दिक्कत आती है और हमें लगता है कहीं ना कहीं हम इंग्लिश उच्चारण करने में, इंग्लिश बोलने में कम पड़ रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो लेक्चर सीरीज है होने वाला है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका जो बेसिकली इंट्रोडक्शन है हम उसको यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है फ्रेंड। यदि अपवादों को यदि छोड़ दे तो आज हमारे देश की में संयुक्त परिवार का चलन है। बिल्कुल फ्रेंड, ज़्यादातर के आपको हमारे इंडिया में ज्वाइंट फैमिली ही देखने को मिलती है। ज्वाइंट फैमिली मतलब एक ही घर में रहने वाले लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए, और कई पीढ़ियों तक रिश्तेदारियों को निभाया जाता है। इसके विपरीत पश्चिमी इंग्लैंड में परिवारों का अर्थ मात्र माता पिता और उनके अवयस्क बच्चों भर है। यही है फ्रेंड जो बात है। देखिए फ्रेंड, अगर से कोई आपकी ग्रैनी या ग्रैंडपा होंगे, उनके कोई रिलेटिव होंगे, तो हमारे इंडियन कल्चर में या भारतीय संस्कृति में उनको भी हमारे जो पोता पोती रहते हैं उसके दादा दादी के, उनको निभाते या उनको मेंटेन करते या रिलेशन बना के रखते, कहीं कुछ कार्यक्रम भी या तो उनके कार्यक्रम में इन्वॉल्व भी होते जाते आते, इस तरह का रिलेशंस का हमारे कॉन्टैक्ट बने हुए रहते। पर जनरली देखा जाए तो फ्रेंड, जो ब्रिटिशर्स या इंग्लिश या इंग्लैंड में परिवार का मतलब सिर्फ क्या होता है फ्रेंड, माता पिता और उनके वयस्क बच्चे, यानी कि मेजर जो बच्चे रहते हैं, एजेड बच्चे रहते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं, उनके हद तक ही रहता है, उनके अलावा उनका रिलेशन रहता है क्या, नहीं। और यही कारण है कि फ्रेंड अंग्रेजी में चाचा ताऊ फूफा साले जीजा आदि के पर्यायवाचक शब्द है ही नहीं। प्रारंभ में हम अंग्रेजी वार्तालाप करते अथवा पत्र लिखते समय इन रिश्तेदारों में पर्यायवाची शब्द ढूंढने ही में ही अटक जाते हैं और ना मिलने पर अपनी अज्ञान मानकर इनमें हिंदी में वार्तालाप करने लगते हैं। तो आइए इसका निवारण इस ब्रह्मा का करें, ठीक है। मतलब कि हम जनरली देखेंगे ना फ्रेंड, अगर से हम कम्युनिकेशंस कर रहे किसी हमारे को पर्टिकुलर, अगर से हम इंग्लैंड में रह रहे या हम कम्युनिकेशंस करना चाह रहे कि इधर, जनरली अगर से हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश तो आती है हमें, और अगर से हम देखिए हमारे जो मौसा को या मौसी को या चाचा को या चाताओं को, अगर से ऐसा जनरली जो हमारे ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड है और उनको हम लेटर राइटिंग करना चाह रहे या कम्युनिकेशन करना चाह रहे या बात करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो हमारे को उनके जो पर्यायवाचिक शब्द अगर से पता ना है तो हम क्या हो जाता है फ्रेंड, वहाँ पे बात करना या कम्युनिकेशन में हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, और अटक के बात करते हम, इसलिए हमें लगता है कि हम इंग्लिश में कहीं ना कहीं कच्चे हैं और कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश आती नहीं। इस भ्रम की वजह से हम पूरी इंग्लिश को धीरे धीरे दूर होना
शुरू कर देते। और यही भ्रम को आज हम दूर करेंगे और एक यही डर को आपका आज निकालने का कोशिश किया जाएगा। कुंती रिलेशन को किस तरह से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये सब आपको बातें बताई जाएंगी इस लेक्चर में और अच्छे से समझाने की कोशिश भी की जाएंगी। फ्रेंड आखिरी तक इस लेक्चर में बने हुए रहिए। आपको रिलेशन में कौन से रिलेशन को क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए और किस तरह से इन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम आज के लेक्चर में जान के लेने वाले, सीख के लेने वाले और समझ के भी लेने वाले। ठीक है फ्रेंड, अब देखो हिंदी में पारिवारिक संख्या 50 से अधिक है। बिल्कुल फ्रेंड, हिंदी में अगर से देखा जाए ना, जो रिलेशन है या जो रिश्तेदारों की संख्या, जी कौन से रिश्तेदार को क्या बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। अब देखिए चाचा, हो सकता है हमारे चाचा भी जो रहते हैं सौतेले चाचा रहते हैं, कोई है कि नहीं, हमारे भाई भी रहते तो चचेरे भाई रहते, इस तरह के हमारे रिलेशंस बढ़ते हैं फ्रेंड। और अगर से इनकी लिस्ट बनाएंगे तो हमें कि नहीं 50 से ज़्यादा क्या बोलते रिलेशन की लिस्ट निकल के आएंगी फ्रेंड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चाचा चाची, ताऊ ताई, बाबा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, मौसी और जीजा साला साली, बहनोई सास बहू, ऐसे दर्जनों रिश्ते आते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, भाई बहनों की सगे के साथ साथ चचेरे मौसेरे उपेरे आदि के कई प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं, अंग्रेजी में ताऊ चाचा मौसा फूफा आदि के लिए कुछ शब्द अंकल है। इसी प्रकार चाची ताऊ मामी बुआ आदि के लिए आंट या आंटी शब्द कहते हैं फ्रेंड। बच्चों द्वारा बड़ी उम्र के सभी महिलाओं को आंटी कहा जाता है, जो व्यक्ति वास्तविक आंट का ही एक प्रकार या भारतीय रूप है। इसी प्रकार साले जीजा बहनोई साडू संधी और सभी को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, अर्थात कानून के अनुसार भाई वही व्यक्ति जो वास्तव में भाई नहीं परंतु सामाजिक नियमानुसार भाई के समक्ष है कहा जाता है। इस तरह का यूज किया जाता है फ्रेंड। देखिए संधि को और एक नहीं ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, मतलब कि वहाँ पे एक कल्चर कानूनी तौर पे उसको भाई कहा जाता है, इस तरह का वर्ड्स वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार ननन भाभी एक दूसरे को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, मतलब कानूनी तौर पे भाई बहन इसका तरह से कहा जाता है, बहन कहा जाता है। जीजी द्वारा साली साला आदि को भी सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। नीचे पहले कॉलम में हिंदी में रिश्तेदारों के कॉलम में उनके अंग्रेजी के पर्यायवाचक शब्द और तीसरे कॉलम में उन्हें आधुनिक संबोधन दिया जाता है। अंग्रेजी में वार्तालाप करते समय तीसरे कॉलम में दिए गए संबंधों को ही प्रयोग क्योंकि आधुनिक फैशन है। ठीक है, अब जो जनरली हम देखेंगे फ्रेंड, पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किसे क्या कहा जा रहा, किस तरह से कहा जा रहा, किस तरह से रिलेशंस को क्या बोलते हैं संबोधन किया जा रहा या बोला जा रहा। उसके बाद में हमारे को जो आज मॉडर्न टाइम में जो शब्द बोले जा रहे या जो ट्रेंडिंग है जिसका यूज प्रॉपरली अभी किया जाता है उसको हम समझ के लेंगे और देख के सीख के भी लेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो इसलिए उसको ये किया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, माताजी या माँ। हम जनरली हमारी जननी है, माँ है जिसने हमें पैदा किया है, उसको हम माताजी बोलते हैं या माँ बोलते हैं। अगर से जो महाराष्ट्रीयन व्यक्ति है आई बोलते हैं, है ना फ्रेंड, ये है। अब जनरली अगर से देखा जाए तो वही अंग्रेजी में शब्द को क्या बोला जाता है, मदर बोल के बोला जाता है। और अब मॉडर्न टाइम में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, मम्मी बोला जा रहा है, मम्मा बोला जा रहा है या मॉम बोल के उनको संबोधन किया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, पिताजी यानी कि पिताश्री कहा जाता है हमारी पर्यायवाचक शब्द में, हिंदी में पिताजी कहा जाता है, पिताश्री कहा जाता है या मराठी में बाबा बोल के बोला जाता है। तब उसी को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फादर बोल के बोला जाता है। अब फादर बोला जाता है और आधुनिक संबोधन शब्द यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में किस तरह से उसको बोला जा रहा है फ्रेंड, पापा बोला जा रहा है, डाडा बोला जा रहा है या डैडी बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। उसके बाद में बाबा या नाना, बाबा या नाना मीन्स फ्रेंड पिताजी के पिता को बाबा बोला जाता है और माताजी के पिताजी को नाना बोला जाता है। तो जनरली ये दोनों को भी फ्रेंड क्या बोला जाता है, ग्रैंडफादर बोल के बोला जाता है। अब जनरली मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें उनको सिर्फ ग्रैंडपा बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब दादी मतलब कि पिताजी की माँ को यहाँ पे क्या बोला जाता है, पिताजी की माँ को और है कि नहीं माताजी की हमारे माँ को ग्रैंड मदर बोला जाता है। अब मॉडर्न इंग्लिश में उसी को ही क्या बोला जा रहा है, ग्रैंडमा बोल के बोला जा रहा है। पत्नी या प्रेमिका जो हमारी जिससे शादी होती है फ्रेंड, अगर से आप मेल है और एक फीमेल से शादी करते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, वाइफ बोलोगे, वाइफ और बिलो बोल के बोला जाता है फ्रेंड। आज जनरली यही वर्ड है कि नहीं चेंज करके वाइफ की जगह पे क्या किया जा रहा है, वर्ड यूज किया जा रहा है, डार्लिंग बोल के वर्ड यूज किया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, अब मॉडर्न टाइम में जो आप फीमेल है उनकी अगर से किसी मेल के संग शादी होती है उसको हम हिंदी या है कि नहीं हमारे जो हिंदी कल्चर के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे, पति बोलेंगे या शौहर बोल के बोलेंगे।
अपन इंग्लिश में उसे ही क्या बोला जा रहा है, हस्बैंड बोल के बोला जाता है फ्रेंड। और अभी मॉडर्न टाइम में जो वर्ड्स ट्रेंडिंग हो रहे फ्रेंड, ये अभी या माय लव बोल के बोला जा रहा है, इस वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं फ्रेंड। और जनरली आप व्हाट्सअप चैटिंग पे वगैरह या जो फेसबुक वगैरह इसमें तो आप देख भी रहे होंगे कि इस तरह के वर्ड्स ये यूज में आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, देना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ और आगे इसको डिटेल में हम समझ के लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमारे मामा और चाचा, ताऊ आदि। हमारे मामा मीन्स बहन के भाई, चाचा मीन्स हमारे पिताजी के भाई, और ताऊ मीन्स हमारे काका, हो सकता है चचेरे अंकल। इनको सभी को क्या बोला जाता है, अंकल बोला जाता है फ्रेंड। और अभी मॉडर्न टाइम में यूज किया जा रहा है तो अंकल ही बोला जा रहा है या डियर अंकल बोल के भी बोला जा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह से चाची, ताई, मामी या मौसी आदि, ये जो वर्ड्स है फ्रेंड। चाची मीन्स हमारे जो पिताजी के भाई है उनकी वाइफ को हम क्या बोलते हैं, चाची बोलते हैं। मामी हमारे मामा की जो वाइफ है उसको हम मामी बोलते हैं। और मौसी मीन्स हमारे जो माताजी की बहन है उनको हम मौसी बोलते हैं। तो ये सभी को जनरली फ्रेंड ऑल ओवर वर्ड्स को आंट बोल के यूज किया जाता है। और मॉडर्न टाइम में यही आंटी, आंटी, आंट ये यूज किया जा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, मतलब कि हमारे कोई हो सकते हैं ना फ्रेंड जो चचेरे हो सकते हैं, मौसेरे हो सकते हैं या फुफेरे, ये जितने भी भाया हैं फ्रेंड, मीन्स सौतेले भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में, चचेरे की जगह सौतेले भी लगाते कभी कभी और चचेरे बोलते हैं फ्रेंड। तो अब इनको क्या यूज़ किया जा रहा है, कजिन ब्रदर बोल के यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड अब यही मॉडर्न टाइम में कजिन ब्रदर इंग्लिश में नहीं कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रदर और डियर ब्रदर कहा जाता है फ्रेंड। ये याद रखिए, कजिन नहीं लगाया जाता। और जब आप मॉडर्न टाइम में बात करें तो है कि नहीं, वहाँ पे ब्रदर लगाया जाएगा या डियर ब्रदर लगा के उनको संबोधन किया जाएगा या बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखो चचेरी, मौसेरी, फुफेरी बहन जो होते हैं हमारे, उनको कजिन, सिस्टर लगाया जाता है। और जनरली अभी उसको सिस्टर बोल के ही यूज किया जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड में इंग्लिश कल्चर में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में देखिए फ्रेंड, ननंद, भाभी, साली आदि, ये सभी को, ननंद को, भाभी को, साली को आदि, ये सभी वर्ड्स को सिस्टर इन लॉ यूज किया जाता है। और अभी मॉडर्न टाइम में उनको सिस्टर या डियर सिस्टर कहा जाता है फ्रेंड। जीजा, साली, साडू आदि, इसको क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ कहा जाता है फ्रेंड। यही को अगर से देखा जाए तो मॉडर्न टाइम में क्या कह रहे हैं आप, ब्रदर कह रहे हैं या माय डियर ब्रदर कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, और देखो मित्र या दोस्त, हमारे जो फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं या दोस्त होते हैं, उनको फ्रेंड वर्ड्स लगाया जाता है या फिर माय डियर कहा जाता है उनको। आज मॉडर्न टाइम में क्या किया जा रहा है, माय डियर बोल के यूज किया जा रहा है या डियर फ्रेंड बोल के यूज किया जा रहा है। या फिर देखोगे तो आप कलीग बोल के एक नया वर्ड्स अभी ट्रेंडिंग है, वो भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है फ्रेंड के लिए। छोटे बच्चों, छोटे बच्चा या बच्चों के लिए चाइल्ड यूज किया जाता है। या फिर माय चाइल्ड, उनको मॉडर्न टाइम में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, माय चाइल्ड बोल के बोला जा रहा है फ्रेंड। और देखो महोदया, मतलब औरतों से, अब जब कभी भी आप औरतों से कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हमारे रिलेशंस में तो नहीं है, उनको एक रिस्पेक्टेड वर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, मैडम लगा के बोलेंगे। और मैडम ये मॉडर्न टाइम में भी है कि नहीं, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसी तरह से एक जनरल वर्ड्स मैडम लगा के हम कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, श्रीमान जी, अब कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है जो हम एक औहदे या पद से बड़ा है तो उसको रिस्पेक्टेड सर कहेंगे। और मॉडर्न टाइम में उसी को क्या किया जा रहा है, डियर सर कहा जा रहा है या सर कह के संबोधन किया जा रहा है फ्रेंड, या कम्युनिकेशन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इंग्लिश के ये कम्युनिकेशन और संबोधन करने के वाक्य है फ्रेंड। अब देखो हिंदी में वार्तालाप करते समय रिश्तों को स्पष्ट और पूर्ण तरह पूर्ण रूप में बोलती ही है, साथ ही साथ में जो जो भी लगते हैं उसके विपरीत अंग्रेजी में जी के पर्याय तो ही नहीं, रिश्ते के प्रयाय अधूरे रूप में ही बोला जाता है। कजिन ब्रदर और कजिन ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, तो सिस्टर इन लॉ, कजिन सिस्टर को अंग्रेजी में वार्तालाप करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संबोधन हेतु आप बार बार रिश्ते का प्रयोग ना करें, बल्कि जब तक संभव हो डियर या माय डियर कह के ही कहे। देखिए फ्रेंड, या अभी जितने भी वर्ड्स आपको बताए वाले जो सौतेले, फुफेरे वगैरह या इन लॉज के जो रिलेशन है, जब देखो फ्रेंड यहाँ पे जो मॉडर्न टाइम में मैंने वर्ड्स यहाँ पे जो स्लाइड में आपको बताए वाले, ज्यादातर के मच मोर इनको तब यूज करें और जब तक संभव हो इन्हीं वर्ड्स को यूज करें और इन्हीं वर्ड्स को आप इंडिकेट करें। अगर से जब कभी भी आपको कोई पूछ रहा है या इंट्रोडक्शन कर रहा है कि बताइए आपका रिलेशन क्या है इनके संगात, तभी ये वर्ड्स को जो रिलेशंस के मैंने बताया वाला हूँ जो ये स्लाइड पे है, ये साइड में हमने जो वर्ड्स देखे, ये वर्ड्स को तभी यूज किया जाता है, तब तक ला यूज नहीं किया जाता, याद रखिए फ्रेंड। और उसके बाद में अंग्रेजी भाषा में प्रिय अर्थात डियर को संबोधन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बालकों से लेकर बड़े उम्र वाले तक सभी
के लिए किया जा सकता है। मतलब कि जो डियर है सर फ्रेंड, ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, डियर वर्ड जो है तो रिस्पेक्टेड वर्ड है, और ये बच्चों से लेकर जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं या फिर हमारे जो रिलेशन में रहते हैं या जो कोई हमारे पद से ऊंचा रहता है या अहदे से ऊंचा रहता है, उन सभी के लिए ये वर्ड्स यूज किया जाता है फ्रेंड। इसके बाद में देखिए, जिसका प्रयोग बालकों से लेकर बड़ी उम्र वाले व्यक्ति तक सभी के लिए आसानी से किया जाता है। इंग्लैंड में पुरुषों के लिए डियर अर्थात प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है और महिलाओं के लिए डार्लिंग अर्थात प्रियतमा, परंतु हमारे समाज में मान्यता के रूप से डार्लिंग को अशिष्ट मानते हैं और मैडम शब्द का ही अच्छा नहीं मानते। मैडम का वास्तविक अर्थ तो संयुक्त और कुलीन महिला है, और परंतु हमारे यहाँ अधिकांश व्यक्ति मैडम भी को भी डार्लिंग जैसे शब्द समझते हैं और मानते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा यह तो यही होगा कि हम उम्र की महिलाओं को आप सिस्टर कहकर संबोधन करें और स्वयं भी बड़ी महिलाओं को, ठीक है फ्रेंड, आंटी का है, ठीक है। अगर से जनरली देखा जाना ये डार्लिंग और मैडम जो वर्ड्स है फ्रेंड, इसको हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत ही एक रूड तरीके से ही देखा जाता है और ज़्यादातर के इसको यूज़ नहीं किया जाता है, पर वेस्टर्न कल्चर में ये डार्लिंग और मैडम वर्ड्स एक कॉमन वर्ड्स है फ्रेंड, और इनको ज़्यादातर के यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर के यूज़ किया जाता है फ्रेंड, और ये वर्ड्स आपको वहाँ पे आई दिन यकीन प्रोनाउंसिएशन करने में और कम्युनिकेशन करने में आपको दिखेंगे फ्रेंड, पर जनरली हमारे इंडियन कल्चर में इन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता है। अगर से कोई आपसे व्यक्ति बड़ा है तो मैम या सिस्टर कह के उसको संबोधन करें या यूज़ करें, अगर से कोई आपसे बड़े है तो उसको सिस्टर कहिए फ्रेंड, या फिर अगर से कोई आपसे सीनियर है तो उसको मैम भी कह सकते हैं आप फ्रेंड, या कोई हम उम्र के है तो उसको आप मैम भी कह के बुला सकते हैं या डियर सिस्टर भी कह के कह सकते हैं। इस तरह से आप वर्ड्स यूज़ कीजिए, पर ज़्यादातर के तो आप अवॉइड कीजिए कि मैडम और मैम कहना, डार्लिंग कहना फ्रेंड, क्योंकि ये जो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो वर्ड्स है ना फ्रेंड, ये असभ्य वर्ड्स माने गए हैं, क्योंकि जो हार्ट टू हार्ट रिलेशन है उन्हीं के संगत हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है, हमारे इंडियन कल्चर में एक टेंडेंसी बन के आ गई है। और मैडम भी अभी देखा जाए तो एक प्रोफेशनली जो आप अगर से किसी ऑफिस में वगैरह काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी रेयर कंडीशन में यूज़ होता है, मैडम की जगह मैम और सिस्टर ज़्यादातर के आपको देखने को मिलेगा, मैम कहा जाता है पर मैडम नहीं कहा जाता है वहाँ पे, इस तरह से आपको वहाँ पे देखने भी मिलेगा और सुनने भी मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि फ्रेंड डार्लिंग और मैडम को खास करके आप ज़्यादातर के यूज़ करने में अवॉइड करें, और देखो आंटी के सामने आंटी के समान ही अंकल भी ऐसे संबोधन है जिसका प्रयोग अपने से 10-15 वर्ष बड़े युवक से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के लिए आसानी से किया जाता है। प्यार के प्रदर्शन के लिए आप अंकल के साथ डियर अंकल कह सकते हैं, बुजुर्गों के लिए रिस्पेक्टेड अंकल कहना अधिक अच्छा होगा। कि इसी प्रकार ब्रदर और डियर ब्रदर शब्दों का प्रयोग बार बार की बराबर की उम्र वाले व्यक्तियों के साथ किया जाता है, चाहे वह किसी भी रिश्तेदार या भाई बहन के सामान्य मित्र अथवा अपरिचित हो। जहाँ तक आप भी ऐसे ही करें, किसी को बहुत अधिक सम्मान देने के लिए आप श्रीमान जी या सर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, डियर सर भी कह सकते हैं, केवल रिस्पेक्टेड सर नहीं, ठीक है। अब जनरली यदि देखिए फ्रेंड, अगर से कोई आपसे सीनियर व्यक्ति है या ऑफिस में या आपके अहदे से बड़ा व्यक्ति है तो उसको आप ज़्यादातर के सर बोलिए या रिस्पेक्टेड सर कहिए, पर डियर सर वहाँ पे यूज ना करें, क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी को वहाँ पे थोड़ा अनसुटेबल करेगा। अब देखिए फ्रेंड, अगर से कोई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड, अगर से हमारे से कोई 10-15 साल एजेड पर्सन है हमारे से अगेंस्ट में, तो उसको जनरली बात है कि हम अंकल या काका तो कहते हैं हिंदी में, पर उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, काका कहेंगे, अंकल कहेंगे, और उसको अगर से विथ रिस्पेक्ट अगर से आदर सूचक हमारे को शब्द यूज़ करने का है तो उसको क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टेड अंकल लगा के यूज़ करेंगे। फिर उसी तरह आंट या बुजुर्ग अगर से कोई महिला है तो उसको हम आंट लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड आंटी भी कह सकते हैं, इस तरह से ये शब्दों को यूज़ किया जाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हम देर ना करते हुए, ठीक है। देखो नामों के साथ प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट शब्द, हमारे यहाँ तो बालकों और घरेलू नौकरों आदि को आधे अधूरे नामों से पुकारने और संबोधन करने की सामान्य परंपरा है, परंतु अंग्रेजी में ऐसा कभी नहीं करते। वे छोटे बच्चों और नौकरों को नाम लेते समय आदर सूचक मिस्टर लगाते हैं। मिस्टर सदैव पुरुष और लड़कों के नाम के पूर्व लगाया जाता है। महिलाओं के लिए सम्मान देने के लिए मैडम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कुंवारी लड़कियों और तलाकशुदा नारियों के लिए मिस लगाया जाता है जिसका अर्थ कुंवारी है, ठीक है फ्रेंड। अगर से कोई जनरली हमारे पास कोई नौकर काम कर रहा है तो हम एक कॉमन बात है, कॉमन टेंडेंसी है, उसको जब हिंदी में हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको उसके रियल नेम से बुलाएंगे,
रियल नेम से बुलाएंगे फ्रेंड, या फिर उसको उसका जो नाम है उसके आधे अधूरे नाम से हम उसको बुलाएंगे। पर इंग्लिश में या इंग्लिश बोलते समय आप इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है मतलब कि फ्रेंड, अगर से कोई पुरुष व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है या वर्क कर रहा है, आपके साथ हेल्प कर रहा है या आपका पार्टनर या को फील हुआ है, उसके लिए आप कभी भी उसके आधे अधूरे नाम को आप वहाँ पे प्रोनाउंस नहीं कर सकते फ्रेंड। आपको जनरली वहाँ पे उसका फुल नेम लेना चाहिए और उसके संगत विद रिस्पेक्ट वर्ड्स जो है मिस्टर लगा के उसका नाम लेना चाहिए फ्रेंड। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड हमारे लिए। उसके बाद में फ्रेंड, अगर से कोई शादीशुदा महिला है, मेन बात अब मैडम वर्ड्स कहाँ पे यूज करेंगे आप फ्रेंड, जो शादीशुदा या मैरिडेबल वुमेन है उनके लिए आप क्या यूज करेंगे, मैडम वर्ड्स यूज करेंगे। इनकेस कोई महिला है और जिसकी शादी नहीं हुई वाली है और जिसका तलाक हो चुका है, उसके लिए आप मिस वर्ड्स का यूज करेंगे। इसके अलावा किसी के लिए भी मैडम यूज नहीं करेंगे। जिसकी जो वुमेन है उसकी शादी हुई वाली है उसके लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए यहाँ पे फ्रेंड, मैडम वर्ड्स का यूज करेंगे। अगर से जो वुमेन है या लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है और या तलाक हुई वाली, उसके लिए आप मिस वर्ड्स का यूज करेंगे फ्रेंड। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है फ्रेंड। देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं फ्रेंड। शादीशुदा महिलाओं को श्रीमती पर्यायवाची या मिस मिसेस कहा जाता है। अब देखो, इसके अलावा जो शादीशुदा महिलाएं होती है उसके लिए मिसेस वर्ड्स भी लगाया जाता है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे ये मिसेस वर्ड्स भी लिखा जाता है या मिसेस वर्ड्स का यूज भी किया जाता है। जहाँ तक हमारे देश में प्रश्न है, मिस केवल कुंवारी लड़कियों को ही कहते हैं। और हमारी कंट्री इंडियन कंट्री की जो बात है फ्रेंड, उसमें अगर से देखा जाए तो जहाँ तक हमारे कंट्री की बात है तो हम है कि नहीं, जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उसके लिए ही हम क्या करते हैं, मिस वर्ड्स का यूज करते हैं। उसके अलावा दूसरों के लिए हम यूज करते हैं क्या, नहीं। और देखो फ्रेंड, अब देखो शादीशुदा महिला तलाक या फतवा अथवा विधवा होने पर मिसेज ही कहलाती है। जहां तक किसी पुरुष को बहुत अधिक सम्मान देना देने का प्रश्न है, उसके उसके लिए रिस्पेक्टेड सर अर्थात परम आदरणीय श्रीमान कहा जाता है या लिखा जाता है, परंतु रिस्पेक्टेड सर के साथ नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। और देखिए फ्रेंड, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गलती बहुत से जन क्या करते हैं पता है क्या, रिस्पेक्टेड सर जब लिखेंगे तो उसके संगत कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का आप नाम नहीं लिख सकते, उसकी ये इंसर्ट हो जाएंगी वहां पे अगर से आप उसका नाम लिख रहे तो। एक आदर सूचक वाक्य रिस्पेक्टेड जब होती, कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है और जिसको आप पत्र लिख रहे या कम्युनिकेट कर रहे और उसके आदर के भाव में आप रिस्पेक्टेड वर्ड्स यूज करके उसके बाद में उसको सर लगा रहे, तो उसके बाद में आप उसका कभी भी नाम नहीं लिखोगे। अगर से नाम लिख दिए तो फ्रेंड ये सरासर वाक्य गलत हो जाएगा और आपके बोलने में फर्क भी आएगा, ये याद रखिए फ्रेंड। परंतु रिस्पेक्टेड के साथ सर का नाम प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे भी वार्तालाप में रिस्पेक्टेड का प्रयोग बहुत ही कम होता है, बल्कि डियर का अधिक होता है। और जब कम्युनिकेशंस करेंगे तो फ्रेंड याद रखिए रिस्पेक्टेड का बहुत रेयर कंडीशन में होता है, डियर केस में होता है। अब ज्यादातर के अगर से किसे रिस्पेक्ट देना है तो डियर शब्द का प्रयोग कीजिए, मीन्स डियर सर, डियर मैडम, डियर ब्रदर, डियर फादर, इस तरह के आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और उसके संगत जनरली ये हमारे कम्युनिकेशंस में चलते हैं फ्रेंड। और आए दिन आपको जब आप किसी एक ऑफिशियल जगह पे जाएंगे जहाँ पे एक रेगुलर डे टू डे कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे आप देखोगे भी कि है कि नहीं डियर का ज़्यादा ही प्रयोग किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ लेवल पे प्रोनाउंस भी किया जाता है। और एक नहीं, जो रिस्पेक्टेड वर्ड्स है फ्रेंड ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है और ना के बराबर यूज़ किया जाता है। हाँ, लिखने के वक्त रिस्पेक्टेड सर ये वर्ड्स लिखा जाता है और यूज़ भी किया जाता है, पर डियर ज़्यादातर के तो बोला कम जाता है, पर ज़्यादातर के बोले जाने वाला शब्द कौन सा है फिर डियर बोला जाता है। और उसके संग डियर मैडम भी लगाया जाता है, डियर सर भी लगाया जाता है और डियर अंकल भी लगाया जाता है। इस तरह से कम्युनिकेट चलता है फ्रेंड और इस तरह से बोला जाता है फ्रेंड। लिखते समय मैसेज को पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा जाता, क्रमशः एम आर लिखा जाता है। और देखो, देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे जब कभी भी आप मिस्टर लिख रहे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का मिस्टर लिखते समय लिख रहे तो वहाँ पे सिर्फ एम आर लिखा जाता है। और देखो, तथा जो मैसेज लिखा जा रहा है ना उसको एम आर एस लिखे हुए इतना ही लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता, ठीक है। परंतु तू बोले तो पूरा रूप ही जाता है, बोलते समय पूरा ही बोला जाता है फ्रेंड। लिखते समय एम आर लिखोगे, मिस्टर के लिए क्या लिखोगे आप, एम आर लिखोगे और मिसेज के लिए एम आर एस लिखोगे, पर बोलते समय इनको कम्प्लीटली बोलोगे, ये याद रखो। लिखते समय हमें कि नहीं एम आर लिखेंगे मिस्टर की जगह पे और मिसेज के लिए एम आर एस लिखेंगे।
और वह भी साथ में नाम के अथवा उपनाम लगाकर, ठीक है फ्रेंड। और साथ में जो भी कम्युनिकेशन करते हो तो उसका जो नाम होगा या उपनाम होगा वो लगा के ही हम उसको यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। आज का लेक्चर जो है, अब इसके जो कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर है जो आपको याद रखने हैं, अब इसके ऊपर हम एक नजर डालते हैं। हिंदी के विपरीत अंग्रेजी में रिश्ते यानी कि रिलेशन का प्रदर्शित करने का शब्द अधिक नहीं है। देखिए ना, हमने जो रिलेशंस रहते हैं उसको है ज्यादा, ये नहीं क्वांटिटी, एक सेलेक्टेड वर्ड्स है फ्रेंड। और वो सेलेक्टेड वर्ड्स को ही कि नहीं यूज किया जा रहा है, उसके अलावा कोई वर्ड्स यूज किया जा रहा है क्या? नहीं। अंग्रेजी में बातचीत करते समय रिश्तों के संबोधन बदल जाते हैं। बोलचाल में पिता को फादर के बजाय डैडी कहा जाता है। अब जनरली हमारे को देखो पढ़ाया गया क्या है फ्रेंड, पिता को क्या बोला जाता है? फादर। और जनरली अभी ट्रेंडिंग वर्ड जो है डैडी या डाडा बोल के बोला जा रहा है पिता को, और माता को मदर बोल के हमारे को सिखाया गया है, माता जी बोला जाता है। पर जनरली हम क्या यूज कर रहे हैं फ्रेंड, अभी कॉमन बात है, मम्मा यूज कर रहे हैं, मम्मी यूज कर रहे हैं वर्ड्स बोलते समय, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं फ्रेंड, और वो बोले भी जा रहे हैं फ्रेंड, याद रखिए। इसके बाद में देखिए, ब्रदर या ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, डियर और माई डियर, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग परिचित से लेकर अधिकांश रिश्तों के तक के लिए उम्र के लिंग के अनुसार किया जाता है। और देखिए फ्रेंड, जितने भी हमारे जो रिलेशन है, ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, अंकल होगा, आंट होगा और डियर या माय डियर, ये जो शब्द है हमारे जितने भी रिलेशन, क्लोज रिलेशन रहते हैं या जो रिलेशंस में आते, उन सभी के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रिमेन रखे, कीप रिमेमिंग रखे। उसके बाद में जो चौथे नंबर का पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड, दादा, बाबा, नाना और ग्रैंडफादर, ये सभी ग्रैंडफादर के बजाय ग्रैंडपा कहा जाता है। और जनरली हमें पता है ग्रैंडफादर की जगह हम उसको क्या यूज करेंगे फ्रेंड, ग्रैंडपा वर्ड्स यूज करेंगे। इसी प्रकार दादी और नानी के लिए ग्रैंडमदर या ग्रैंडमा वर्ड्स यूज किया जाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जीजा, साले, बहनोई, साडू आदि रिश्तेदारों को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, के स्थान पे केवल भाई, साहब या प्रिय भाई या ब्रदर कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। डियर ब्रदर कहेंगे या ब्रदर कहेंगे उनको, इस तरह से उनका संबोधन किया जाएगा, उनके संगात दूसरे वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। ब्रदर इन लॉ कहने में कुछ अटपटा और असंतुष्ट लगता है, क्योंकि देखो जनरली हमारे को जो रिलेशन है तो ब्रदर इन लॉ या कायदे के हिसाब से भाई ये कहना जरा हमारे को क्या लगता है वहाँ पे अटपटा लगता है, तो इसलिए हम वो वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। उसके जगह जब उनको हम संबोधन करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ब्रदर या डियर ब्रदर, ये शब्द यूज करके उनको संबोधन करेंगे और बोलेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, आगे बढ़ता हूं मैं, आप देखो, जबकि आप इनको अर्थप्रिय माय डियर कह सकते हैं और आसानी से काम चला सकते हैं। अब इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं ना, माय डियर भी यूज कर सकते हैं, और इनकी वजह से कैसा है आपके रिलेशन में भी एक तो सुधार आएगा, बात में भी सुधार आएगा। और दूसरी बात फ्रेंड, आपको है कि नहीं, जो आपकी ट्यूनिंग ऑफ लैंग्वेज है, पॉस्चर है, वो भी आपको अच्छे से दिखेगा और आपकी क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा, ठीक है फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप है कि नहीं, जब कभी भी जीजा, साले, बहनोई, साडू, रिश्तेदार, ये सभी को लिए ब्रदर इन लॉ वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, डियर ब्रदर या ब्रदर ये वर्ड्स यूज करेंगे, ये याद रखिए फ्रेंड। उसके बाद में छठा पॉइंट जो है, अपने मित्र, बराबर आयु वाले और बच्चों से बातचीत करते समय डार्लिंग तथा माय डियर, डियर या डार्लिंग, माय डियर जैसे शब्दों का खुलकर प्रयोग कीजिए। बातचीत में मित्रों को बराबर फ्रेंड, फ्रेंड तथा भाई, साडू, जीजा आदि को ब्रदर कहना अशिष्टता माना जाता है, जबकि बारंबार डियर और माय डियर का प्रयोग वार्तालाप को आधुनिकता प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड। ये याद रखिए, जब कभी भी आप अपने बराबर वाले व्यक्तियों को बात कर रहे हो तो डियर, माय डियर या डार्लिंग, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, और खुल के इसको इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए और प्रोनाउंस करना चाहिए, और ये मॉडर्न इंग्लिश को इंडिकेट करते हैं या दर्शाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। और इसी के साथ देखिए फ्रेंड, जो आज का अभी तक का जो लेक्चर है, जो रिलेशंस के बारे में था, मैंने आपको एक पूरे डिटेल में ओवरव्यू बताया है, और इसी के साथ यहाँ पे आज का जो लेक्चर है मैं स्टॉप करना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड, आपके लिए जो इतना अच्छा नॉलेजेबल हमने लेक्चर बनाया, इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अगर से ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है फ्रेंड। बाय। इसी के संगत में आज का लेक्चर यहाँ पे